यस गाइस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आईक्यू 3 का बॉक्स, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है इसकी जो बॉक्स की पैकिंग है। बिकॉज ऑफ आप इसको देख रहे होंगे बहुत ही अलग आपके लिए डिज़ाइन देखने को मिला है बॉक्स का ही, तो देखते हैं बॉक्स के साथ साथ स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलता है। और जैसा कि एसेसरीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर दमदार देखने को मिलती है, 55 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और मैं आपसे यहाँ पर अनवाइस्ड शेयर करूँगा कि क्या मेरा इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ मैं फर्स्ट टाइम आईक्यू का कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर सामने देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस करूंगा। जो मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होगा वो आपके लिए यहां पर बताऊंगा। इसके साथ साथ आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके लिए इसके बॉक्स कंटेंट, स्मार्टफोन की स्पेक्स और स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज आईक्यू 3 एंड जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपके लिए यह वीडियो पसंद आएगी। देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे पास आईक्यू का बॉक्स, जो कि आप देख रहे होगे ये मुझे कुछ अलग ही स्टाइल में देखने को मिल रहा है। बॉक्स के पीछे आपके लिए कुछ यहां पर स्पेक्स और स्मार्टफोन की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको भी रीड कर सकते हो। जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या रहता है हमारा स्मार्टफोन के साथ एक्सपीरियंस। इस स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये हमारे लिए एक नेक्स्ट फ्लैगशिप किलर डिवाइस हो सकता है। तो वैसे ये सिंपली यहां पर अनबॉक्स हो चुका है। इसके बाद ये आ जाता है फर्स्टली हमारे पास हैंडसेट। यहां पर हमारे पास है ब्लैक कलर का ऑप्शन, इसके बारे में अभी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। फ्रंट में आपके लिए यहां पर गूगल असिस्टेंट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अंदर आपके लिए रखा मिलता है एक सेक्शन, जिसका भी यहां पर जो फॉर्मेट है वो बहुत ज्यादा अलग है। और कुछ आपके लिए आईक्यू की तरफ से एक मैसेज देखने को मिल जाता है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसके लिए भी पढ़ सकते हो। इसी सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है आपके लिए यहां पर A to C टाइप केबल, जिससे आप डाटा को सिंक कर सकते हो, स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। उसके साथ साथ यहां पर आपके लिए एक प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये आती है यहां पर आईक्यू की तरफ से मैनुअल गाइड, और यहां पर आपके लिए एक सेमीलेटर टूल देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो ये है यहां पर इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा किंग, ये है हमारे पास आईक्यू की तरफ से आने वाला 55 वॉट का फास्ट चार्जर, जिसमें आपके लिए यहाँ पर 11 वॉट 5 एम्पियर के एप्रोक्स की यहाँ पर आपके लिए रेटिंग देखने को मिलती है। इसमें आप आराम से अपने स्मार्टफोन को 50% 15 मिनट के एप्रोक्स में चार्ज कर सकते हो। और आपके लिए यहाँ पर एयरफोन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि आपके लिए यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक का भी सपोर्ट है। ईयरबड्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और कुछ आपके लिए ईयर टिप्स और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि जो जो चीज आपके लिए एक स्मार्टफोन के साथ चाहिए है वो आपके स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये आ जाता है हमारे पास हैंडसेट, आप देख रहे होंगे। जल्दी से इसके रैप को हटाते हैं, बात करते हैं हैंडसेट की। मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस डिवाइस के लिए। यस गाइस, यहां पर ये स्टार्ट हो चुका है, मेरे से स्विच वगैरह ऑन हो गया होगा। नीचे आपके लिए पावर्ड बाय एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, यस गाइस, क्योंकि आपके लिए इसमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। जब तक हम इसके ओवरव्यू की बात करते हैं तो बैक में आपके लिए यहां पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, और जो आप यहां पर इसका टॉर्नेटो ब्लैक कलर देख रहे होगे वो यहां पर बहुत ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस बनाता है, जो कि आपके एक प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, जिसमें आपके लिए यहां पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फर्स्ट प्राइमरी कैमरा आपके लिए मिलता है 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ वाइड एंगल लेंस। सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर के साथ टेलीफोटो लेंस। थर्ड कैमरा आपके लिए देखने को मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ डेप्थ सेंसिंग लेंस। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिलता है, और नीचे की साइड आपके लिए आईक्यू की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अगर मैं इंटरनली बात करता हूँ तो आपके लिए इस डिवाइस में यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर आपके लिए परफॉर्मेंस में कहीं से भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है बिकॉज ऑफ वो प्रोसेसर। इसके साथ साथ अगर आप इसमें 5G हैंडसेट को बाय करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर 44,000 वाले वेरियंट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपके लिए 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए इंटरनल में 4,440 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो आपके लिए आराम से दिन भर का बैटरी बैकअप दे देगा। वो बैटरी यहाँ पर नॉर्मल चीज है, क्योंकि आज आपके लिए मार्केट में इतनी बैटरी देखने को मिलती है। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर चार्जिंग की, तो आपके लिए USB-C टाइप का पोर्ट देखने को मिलता है। इस चार्जिंग पोर्ट की खासियत ये है कि आपके लिए इसमें 55 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। जिस तरह से मैंने आपके लिए एसेसरीज में भी इसको डिस्क्राइब किया, उसी तरह से मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसका मेन हाईलाइट है आपके लिए 55 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है, और वो बॉक्स में ही चार्जर देखने को मिलता है। तो आप इसको 15 मिनट के अप्रॉक्स में चार्ज कर सकते हो 50%, और यहाँ पर अगर फुल चार्ज करना चाहते हो तो आपके लिए 30 to 32 मिनट के अप्रॉक्स लगेंगे, और आपका डिवाइस पूरा चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको दिन भर यूज में ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे सिम की बात करता हूँ तो आपके लिए यहाँ पर डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और मैं अगर कॉर्नर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो कॉर्नर है वो यहाँ पर बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं। एक आपके लिए यहाँ पर माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं साइड में बात करता हूँ तो आपके लिए यहाँ पर एक पावर लॉक अनलॉक की देखने को मिलती है, जो यहाँ पर एक अलग
अलग से विब्रेंट कलर के साथ आती है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लग रही है। आपके लिए वॉल्यूम ब्रॉकर कीस देखने को मिलती है। ऊपर की साइड बात करता हूँ तो फिर से यहाँ पर स्क्वायर डिजाइन देखने को मिल जाती है, मतलब कि कॉर्नर में आपके लिए कहीं कहीं राउंड डिजाइन है और कहीं कहीं आपके लिए स्क्वायर डिजाइन देखने को मिलती है। एक ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं अपोजिट साइड बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए साइड से वॉइस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक स्विच देखने को मिल जाता है। और उसके साथ अगर मैं फ्रंट में बात करता हूँ तो आपके लिए 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका यहाँ पर पंच होल नॉच देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपके लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है f2.4 एपर्चर के साथ। तो जल्दी से मैं इस डिवाइस को सेटअप करता हूँ, उसके बाद हम इसकी इंटरनल की बात करते हैं। उसके पहले मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में बता दूं तो यहाँ पर आपके लिए गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है बैक में एंड फ्रंट में। तो इसकी वजह से आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन के रूप में बहुत बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। जल्दी से इस स्मार्टफोन को सेटअप करते हैं, बात करते हैं फिर इसके इंटरनल फीचर्स की। और इसके साथ साथ गाइस आपके लिए इसमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, और वहीं आपके लिए IQ UI 1.0 वो आपके लिए देखने को मिलता है, जिसका यहाँ पर इंटरफेस है वो भी आपके लिए बेटर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जल्दी से चलते हैं हम सेटिंग में और इसकी इंटरनल बात करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपके लिए IQ में Qualcomm का Snapdragon 865 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके लिए इसमें 8 GB ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप चाहो तो यहाँ पर 12 GB ऑफ रैम तक जा सकते हो, जिसमें आपके लिए यहाँ पर 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके लिए 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं आपके लिए 128 GB ऑफ स्टोरेज का वेरियंट मिलता है, जो आप 12 GB के साथ लोगे उसमें आपके लिए 256 GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा बेहतर डिवाइस हो सकता है उन लोगों के लिए जो कम प्राइस में फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस को यूज करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कैमरा को देख लीजिए। कैमरा पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप देखिए अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, बुके मोड, 2x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपके लिए सुपर मैक्रो मोड देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल पैनोरमा और स्लो मोशन वीडियो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो आपके लिए वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो किस एंगल पे आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड करना है। इसके साथ साथ बहुत सारे मोड्स आपके लिए इस डिवाइस के साथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मैं पिक्चर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आप यहां पर नीचे वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपके लिए ये कैमरा सैंपल्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं आपके लिए कैमरा के ऊपर। इसके साथ साथ जल्दी से हम इसकी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर जैसे ही मैंने इसको देखा और इसने इंस्टेंटली स्मार्टफोन को अनलॉक कर दिया। आपको थोड़ा सा स्वाइप जरूर करना पड़ेगा, जिस तरह से आपके लिए आईफोन में करना पड़ता है, बट अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट को भी मैं जैसे ही टैप कर रहा हूं उसने इंस्टेंटली स्मार्टफोन को अनलॉक कर दिया। फिंगरप्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आप चाहो तो इस डिवाइस को बाय कर सकते हो, ये एक बेटर डिवाइस आपके लिए हो सकता है। देखिए गाइस जिस तरह से आपने इस IQOO 3 की अनबॉक्सिंग देखी और उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत ज्यादा बेहतर रहा। मैंने फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को यूज किया, देखा इस डिवाइस को और बॉक्स कॉन्टेंट भी आपने देखे, बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर देखने को मिले। आपके लिए अगर 55 वॉट की चार्जिंग बॉक्स में ही देखने को मिलती है तो इससे बेहतर एक्सपीरियंस आपके लिए क्या देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गाइस अगर मैं ओवरऑल इस डिवाइस के बारे में बात करता हूँ, क्या आपके लिए ये डिवाइस यहाँ पर बाय करना चाहिए, तो यस गाइस ये डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। बिकॉज ऑफ मेरे को जितना लगता है कि 40,000 के अंदर का अगर आप कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस बाय करते हो तो आपके लिए IQOO 3 है वो यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन दे सकता है। स्पेक्स के साथ आता है, परफॉर्मेंस में मुझे कहीं से भी कमी देखने को नहीं मिली। बैटरी बैकअप 4,440 mAh का है, तो आपके लिए दिन भर का देता ही है, और उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग है। और यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं तो आपके लिए इस डिवाइस में 34,990 rupees में 8 GB ऑफ रैम, 128 GB ऑफ स्टोरेज वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ गाइस अगर आप इसका 12 GB ऑफ रैम, 256 GB ऑफ स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हो तो आपके लिए वहां पर 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी 44,990 rupees। तो अगर आपका इतना बजट सेगमेंट है 40-50 के बीच, तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करता हूं IQOO 3 के लिए, जो कि 5G है। और यहां पर अगर 30-40,000 का बजट है तो आपके लिए जाना चाहिए IQOO 3 के लिए। IQOO 3 एक बेटर डिवाइस हो सकता है आपके लिए। यहां पर थोड़ा बहुत कॉन्स आपके लिए मिल सकता है IP रेटिंग में, बिकॉज ऑफ आपके लिए इसमें IP सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा वैसे तो बेटर है, बट यहां पर नाइट की बात कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस बेटर देखने को नहीं मिला iPhone XR के कंपैरिजन में। मैंने इसको 10R से कंपेयर किया था नाइट फोटोग्राफी में, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर देखने को मिली। इसके साथ साथ वेट करिए, आपके लिए जल्द ही iPhone XR की अनबॉक्सिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने अभी लॉकडाउन में ही बाय किया है। उसका अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैंने इसी डिवाइस से शूट किया था, जिससे आपके लिए इसकी वीडियोग्राफी भी पता चल जाए, और इसमें पता नहीं क्या हुआ कि इसमें से वो डाटा
निकल चुका है, मतलब कि वो डाटा इससे इरेज हो गया, तो वो मुझे अब दोबारा से शूट करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं उसका क्या सीन होता है, बट आप उसका थोड़ा सा वेट करिए, मैं उसकी भी आपके लिए 2020 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इसको नहीं जानता इसके क्या फीचर्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ हमने इसको अनबॉक्स किया, पूरा इसको मैं रिव्यू करता हूँ, सेट को देखता हूँ सेट कैसा है और इसके फीचर्स को समझता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है उसको हम एक सेपरेटेड वीडियो में यहाँ पर कवर करें। गाइस आप वेट करिए उन वीडियोस का, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी कैमरा क्वालिटी और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बिकॉज ऑफ जिस तरह से देख रहे हो अभी तक इंस्टाग्राम पर, मैं आपके लिए यहाँ पर 24/7 आपके मैसेज का रिप्लाई वहां पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर गाइस मैं बात करता हूँ तो इंस्टाग्राम पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे ही मेरे को कमेंट करते हो, आप लोग सिर्फ इतना सा टाइप करिए प्राइस, तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हो, मैं आपके लिए उस प्राइस रेंज का सबसे बेटर डिवाइस दूंगा। और गाइस मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर 50+ बंदों के साथ एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने यहाँ पर स्मार्टफोन रिकमेंड किया और उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। ये भी मैंने अपने फ्रेंड के लिए रिकमेंड किया है, उनको भी बहुत ज्यादा बेटर डिवाइस देखने को मिला। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो गाइस इसके साथ साथ फॉलो करें इंस्टाग्राम पर और लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।